क्रिसमस आने वाले है ना, इसलिए मैंने अपनी चिट्ठी में बहुत सारे विश बना रखी है। अबे ओ मैडम, ना कोई सैंटा आने वाला ना कोई तेरी विश पूरी होने वाली, समझ गई? सब धोखा है, झूठ है, ड्रामा है। मैंने भी बचपन में कितनी चिट्ठियां डाली है, कितना कुछ मांगा था कच्छों में सॉक्स में, आज तक पूरी नहीं हुई है, तेरी भी नहीं होगी, समझ गई? अब तो भूल जाए सैंटा वेंटा को। अरे बड़ी, मेरी विशेष तो पूरी होती है। देखो जैसे मैंने आग मांगा है, हमारे सारे भाई बहन क्रिसमस साथ बनाए। अच्छा फिर तो तू भूल ही जा, क्योंकि हमारे भाई बहन के ना एग्जाम चल रहे हैं, कोई भी नहीं आने वाला घर पे, समझ गई है? तो ये विश भी तेरी पूरी नहीं होगी, और ये ड्रामा ना बंद कर दे, सैंटा बोलो ना थप्पड़ पड़ेगा, चल अब घर। ठीक है। तुम्हारे तो एग्जाम थे ना, यहाँ कैसे प्रकट हो गए तुम लोग? अरे यार हमारे एग्जाम्स ना कैंसिल हो गए पोल्यूशन के चक्कर में, तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले ही आ गए क्रिसमस मनाने। सारा पोल्यूशन अभी होना था। देखा बड़ी, मेरी एक विश पूरी भी हो गई। अबे चल ना, काय की विश पूरी हो गई, ये बस तुक्का है, इनके एग्जाम के अंदर लोग है, नहीं तो कोई विश पूरी नहीं हुई है, ना कोई सेंटा आने वाला दिमाग में बैठा ले। मैं जा रही हूँ। अबे यार इसको क्या हुआ? इसको आग लगाओ, हम अपनी क्रिसमस पार्टी स्टार्ट करते हैं। ये अबे यार बिना अदिति यहाँ पे कितना अकेला बन लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं उसको बुला के लेके आता हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो? बड़ी नहीं आएगी, तू जितना मर्जी बुला ले। कोई बात नहीं, मैं उसको बुला के आता। तानी इतने बड़े हो गए पर अक्ल एक पैसे की भी नहीं है, पता ही नहीं सैंटा होता है या नहीं होता है, अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस क्रिसमस की वजह से। अबे यार अदिति तुम इधर अकेले बैठ के क्या कर रहे हो, आ जाओ हमारे साथ क्रिसमस ट्री सजा लो। देखो भाई ना मुझे छोटे दिखावे की जरूरत है और ना ही मुझे छोटी सजावट की जरूरत है, मुझे नहीं बिलीव है सैंटा वेंटा में, और आप लोगों को पता है ना कोई सैंटा वेंटा नहीं होता, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीजों में? अरे अदिति हमको पता है कि सैंटा नहीं होता है, हम इतने दूर से आए, चलो मेरे लिए नहीं अपने छोटे बहन भाई के लिए तो क्रिसमस ट्री सजा लो प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, सजा लेती हूँ, बट ये मत सोचना कि मैं आपके साथ क्रिसमस भी बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो चलो। इतने खुश मत हो तुम लोग, ठीक है ये मत सोचना मैं यहाँ आ गई तो मुझे सैंटा में बिलीव हो गया, मेरे को बस तुम्हारे भाई ने फोर्स किया था इसलिए आई हूँ। चलो एक साथ मजे लेते हैं स्नो के। अरे छोटी बड़ी देर से देख रही हूँ, क्या लिख रही है तो इस पर्ची में? मैं अपनी विश लिख रही हूँ। अच्छा ऐसा क्या चाहिए तुझे सैंटा से? मेरे को कुछ चाहिए तो नहीं है, मैं सैंटा क्लॉज से ये पूछना चाहती हूँ कि कटरीना दीदी ने विक्की भैया से क्यों शादी कर दी थी, हमारे सलमान खान का मर गए थे। अबे तू क्या आस रहा है, तू बता तुझे क्या चाहिए सैंटा से? यार मेरी तो बस एक ही विश थी कि मैं कटरीना से शादी कर लेता, पर अब उसने विक्की ब्रो से कर लिया तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना जैकलिन फर्नांडिस से कर लूँ। अच्छा जैकलिन फर्नांडिस से करनी है, उसकी स्पेलिंग बताइए। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आलिया भट्ट से कर लूँ, वो भी बहुत प्यारी सी है। अच्छा तुम्हारी क्या विश है, तुम अपनी बताओ। ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, पर मेरी विश है, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो मुझे एक प्यारी सी रेड कलर की ड्रेस चाहिए जिसे पहन के मैं पार्टी में जा सकूं। अच्छा आपने बताया नहीं आपकी क्या विश है। अबे यार मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, पर मुझे एक चीज चाहिए कि हर क्रिसमस में और हर फेस्टिवल में हम लोग बस भाई बहन साथ में रहे और खुश रहे। हाँ, अच्छी सोच है, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की विशेष पूरी हो जाए, नहीं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा ना अगर आपके सेंटा क्लॉज नहीं आए तो। चलो मैं चलती हूँ, आप अपनी झूठी तसल्ली के साथ एंजॉय करो, बाय। क्या हुआ दीपाली, इतनी परेशान क्यों है? यार क्या बताऊं तुझे, यार क्रिसमस आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। अरे बस इतनी सी बात, मेरे पास एक तरीका है ना, ऑक्टा एफएस कॉपी ट्रेडिंग ऐप, मैंने $110 कमाए वो भी 2 हफ्तों में, वो भी मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना। अरे वाह ये कैसे किया तूने? अरे इसमें एक लिस्ट है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर्स की, जिसको मास्टर ट्रेडर भी बोलते हैं हम, तुम इसमें मास्टर ट्रेडर्स को चूज कर सकती हो, फिर उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स
एंड इस स्कोर को देख के कॉपी कर सकती हो। फिर जो भी ट्रेड्स मास्टर ट्रेडर्स लेगा वो तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो भी अर्न मास्टर ट्रेडर करेगा वो तुम भी अर्न करोगी। तो फिर इसको कॉपी करने के बाद क्या करना है? अरे तुम्हें इसको कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना होता, तुम अपने खाली टाइम पे अपने रिजल्ट्स एंड बैलेंस को मॉनिटर कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने मास्टर ट्रेडर के ट्रेड से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम उनके प्रोफाइल पे जाके स्टॉप कॉपिंग का बटन क्लिक कर सकती हो, फिर किसी और ट्रेडर के ट्रेड्स को कॉपी कर सकती हो, वो भी कुछ क्लिक्स में। ट्राई करना तो बनता है। हाँ, लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग से। सो गो फॉर ऑक्टाएफएस ट्रेडिंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आपको 50% का बोनस भी मिलेगा। थैंक यू, मैं भी डाउनलोड करती हूँ। हो गया डाउनलोड, अब मैं बहुत सारा अर्न करूंगी। हाँ चलो क्रिसमस की तैयारी करें, चलो। हो हो हो, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, हो हो हो, जिंगल बेल जिंगल बेल, हो हो हो। अरे अरे क्या हुआ तुझे, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? अरे अरे यहाँ पे भी सेंटा क्लॉज था, यहाँ पे मैंने भी सेंटा क्लॉज देखा। सेंटा देख लिया? अबे पागल है क्या, कल तो कह रही थी कि सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता है और आज कह रही कि सेंटा देख लिया, नशे करके सोती है क्या? वही तो सोचो, सेंटा तो होता ही नहीं पर मुझे क्यों देखा, शायद नींद में हूँ इसलिए, सॉरी। यार इतनी देर होगी, आज रिक्शा वाला मिल क्यों नहीं रहा है? साला आज ही हड़ताल होनी थी, घर जाना है, लेट हो रही हूँ, क्या करूँ? इन भैया से पूछती हूँ, शायद इन्हें पता रिक्शे वाले कहाँ है। अरे भैया बता ना, ये रिक्शे वाले कहाँ मर गए आज? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड एंड राइडिंग ऑन द स्लेज। कहाँ गए, क्या हो गया है मुझे, दिन में भी सपने देख रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे, बार बार सेंटा क्लॉज क्यों दिख रहा है? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, मैं हूँ सांता, दे दो सबको फांता, जिंगल बेल जिंगल बेल। आप सेंटा हो? हाँ बेटा मैं सांता हूँ। सचमुच के सेंटा हो? अच्छा, ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? भैया मुझे पता था ये भैया ही है, कोई सेंटा वेंटा नहीं होता, पता चल गया तुम लोगों को, बस परेशान नहीं करना होता ना आप लोगों को। मिल गई खुशी, मिल गई खुशी, लोगों के सपने तोड़ के बहुत मजा आता है ना आप लोगों को। बांटो गिफ्ट, बांटो, विशेस पूरी करो सबकी, दिखावा है भैया ये दिखावा, अभी भी बोल रही है सब छोड़ दो। यार अदिति अब तू क्या इतनी बड़ी हो गई है कि भाई पे चिल्लाएगी, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। वो तेरे लिए तो कह रहे थे कि हमारे साथ आके क्रिसमस मना ले, भाई बहनों के साथ एंजॉय कर ले, और तू उनको ही सुनाई जा रही है। हाँ। तूने बहुत बुरा बोला यार, उन्हें उनको कितना बुरा लगा होगा, वो बार बार तुझे आके बोल रहे कि हमारे साथ क्रिसमस मना ले पर तुम पे चिल्लाई जा रही है। यार सेंटा नहीं होते ये हमें भी पता है, वो सब हमारी खुशी के लिए ही कर रहे हैं और तेरे लिए भी कर रहे हैं ताकि तू भी एंजॉय करे, भाई बहनों के साथ खेले, पर तू ऐसे उनके साथ बिहेव करेगी तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? मैंने इतना बुरा बोला उन्हें? हाँ मैडम बुरा नहीं किया, बहुत बुरा किया है। अब थोड़ी सी भी शर्म है ना तो जाके भाई से माफी मांग यार। अच्छा तो मुझे सच में बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे, जाके माफी मांग लेती हूँ। भाई मुझे माफ कर दो यार, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये जो भी तूने करा मुझे हंसाने के लिए ही करा ताकि मैं तुम लोगों के साथ एंजॉय करूं, अब मैं छोटी बहन को माफ नहीं करेगा। जो हुआ वो भूल जाओ, गलती तो मेरे भी था ना, मैं भी तुमको इतना परेशान किया, चलो अब हम दोनों जाके क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है? ये देखो पर भाई प्यार ऐसे सेंटा के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। चलो एक काम करते हैं, मैं ना सारे कजन्स को बुला लेती और फिर हम मिलके क्रिसमस पार्टी करेंगे, ठीक है? चलो। अबे वो ओवरएक्टिंग की दुकान, पूरे घर को सर पे उठा रखा है, क्यों चिल्ला रही है? मैंने अपनी भी चिट्ठी में लिख रखी थी, वो मैंने कचरे में डाली हुई थी, अब वो मेरे को मिल ही नहीं रही। अच्छा बेटा वो चिट्ठी तूने मेरे कच्चे में डाली थी? मैडम जी मैंने वो चिट्ठी फाड़ के फेंक भी दी है, और तुझे मेरा एक अच्छा मिला था डालने के लिए? अरे वो बड़ी सी सॉक्स में मिल रही थी ना, इसलिए मैंने तेरे कच्चे में डाल दी। चले अब मेरे को मेरी च
चिट्ठी दे। मैडम जी मैंने वो चिट्ठी फाड़ के फेंक भी दी है, मैं कहाँ से दूँ लाके? हाँ कुत्ते बस कर दादी अम्मा, चिट्ठी दी ना लिख दूंगी फिर से, बता क्या क्या विश थी। ठीक है तेरी मर्जी। अपनी लिस्ट बताओ मुझे। बर्गर, फ्राइज और चाउमीन। उठो रात में आए हो क्या, मेरी चिट्ठी लिखो। बोलो चलो चलो अब फटाफट ना रेडी हो जाते हैं क्रिसमस के लिए, फिर पार्टी करेंगे। चलो हाँ मैं मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। सुनो गाइस अब नाच गाना करते हैं। पहले कौन जाएगा? पहले मैं जाऊंगी, मैंने क्रिसमस का डांस सीख रखा है। जिंगल बेल टक टक, जिंगल बेल टक टक, जिंगल बेल टक टक बॉय, जिंगल बेल टक टक बॉय। चल चल नेक्स्ट बोल कर रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को पूरी तरह फैला दीजिए, आग लगा दीजिए। हाँ और हमारे चैनल यानी वी3 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एक बीमार हुआ है शूट करके करके, तो हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मैरी क्रिसमस Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye bye.